दीप्ती एक मिनट दीप्ती, ये जरा ठीक है ना? दीप्ती तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मेहनती भी हो, बहुत हो, लेकिन अपने रास्ते से भटक मत जाना, भूल मत जाना कि आर्यन मेरा हस्बैंड है। या थैंक यू सोनिया। सोनिया पहले शूट कर ले। ओके। लवली लवली सोनिया, ब्यूटीफुल। आर्यन शायद वहां कोई है। कोई भी तो नहीं है। चलो डॉट ले। या ब्यूटीफुल। यस आर्यन देखो ना, कोई तो है वहां पर। आर यू सीरियस? या कोई नहीं है। कैन वी शूट? या ओके। ये फैन किसने चलाया? किसी ने नहीं सर। म्यूजिक ऑफ। सब लोग 10 मिनट का ब्रेक लो। आर्यन ये तो ब्लड है ना? ब्लड नहीं नहीं आई बिलीव वो ब्लोअर चला था तो उसकी वजह से तुम्हारा जूस का ग्लास गिर गया। सोनिया दिस इज अमेजिंग। व्हाट व्हाट इज इट? योर कवर। हाँ You know what? इस कवर पे तुम्हारी पिक्चर का मतलब है। You are the top model of the country now. I am so 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 happy. Thank you, baby. This calls for a celebration now. Arun, Arun, मेरे हाथ चल रहे हैं। Please doctor को बुलाओ ना। Arun, Arun, मेरी बात दी। क्या हो रहा है? अरे बहुत जल रहा है। प्लीज डॉक्टर को बुलाओ। कोई डॉक्टर को बुलाओ। कोई साथ में। अरे तुम्हें कोई आवाज नहीं आएगी? अरे कोई है यहाँ पे? सोनिया कोई आवाज नहीं आ रही है। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अरे वो देखो वो देखो कोई जा रहे हैं। सोनिया कोई नहीं यहाँ पे। अरे कोई है देखो ना, देखो। सोनिया कोई नहीं यहाँ पे। कोई है? सोनिया। सोनिया। मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। आर्यन सोनिया इट्स मी। कैसी हो तुम? बेटा पर आर्यन कल कल जो कुछ भी हुआ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे वो चैंपियन की बॉटल खोलनी नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्या था उसमें। देखो ना क्या हो गया। आर्यन बात वो नहीं है पर वो आवाज़ें। मैं भी तुम्हारी जैसी बनना चाहती हूँ। सोनिया सोनिया वहां कोई आवाज़ें नहीं थी। सब कुछ इतना अचानक से हुआ ना, तुम सहम गई हो। तुम्हारा वहम है ये। आई होप सो। पर आर्यन
आर्यन मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे डरने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना यहाँ पे। तुम एक काम करो, आज आराम करो। एक्चुअली मेरा जाना जरूरी है, वो मॉडल की डेट एक महीने तक मिलेगी नहीं, तो अदरवाइज मैं कैंसिल कर देता। नहीं दैट्स ओके, एक्चुअली मैं भी अपनी शूट कैंसिल नहीं कर सकती। हम लोगों ने बहुत एक्सपेंसिव रिसॉर्ट बुक कराया है खासकर इस शूट के लिए, और वैसे भी घर रहूंगी तो पता नहीं दिमाग में क्या क्या हो। यू आर एब्सोल्युटली राइट बेबी, यू गेट रेडी ओके, मैं वहां जाके तुम्हें कॉल करता हूँ। ओके आर्यन, लव यू, लव यू टू। चल बेबी गॉट टू गो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो हेलो, सोनिया कहाँ हो, इतनी देर से फोन नहीं उठा रही। Are you okay? मैं ठीक हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझे फोन करना। Yeah, baby. I'm all fine. मैं actually अभी निकल ही रही थी शूट के लिए। Okay, I'm fine. All right, baby. Love you. Bye. Yeah. आर्यन तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? हाँ वो मुझे लगा थोड़ी देर के लिए शायद घर जाना होगा। नो वेज, आज सिर्फ तुम और मैं, और हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। मैडम जी ये आपके लिए। किसने दिया? ये आर्यन सर ने भेजे आपके लिए। ओह हाँ, थैंक यू। जी
राजेश क्या हुआ? अरे वो लाइट का, लाइट फटाफट भेज वहां पे। और जनरेटर? अरे यार जनरेटर अभी चाहिए, तुरंत इसी वक्त। तीन रूम और मिलेंगे क्या? अरे यार मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ, मैनेजर से बात कर रहा हूँ। हाँ मैनेजर। पॉसिबल नहीं सर, रिसोर्ट पूरा भरा हुआ है। अरे मैनेजर साहब कुछ तो करिए, आप कर सकते हैं। चांस ही नहीं सर, यहाँ तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं खुद ही कर देता। वो पूरा फर्स्ट फ्लोर तो आपको दे दिया, वो सेकंड फ्लोर पूरा ऑक्यूपाइड है सर। थर्ड फ्लोर क्या हुआ? सर थर्ड फ्लोर तो यहाँ है नहीं, हमारे रिसोर्ट में सिर्फ दो ही फ्लोर है। अरे हेलो, हाँ कैमरे का हो गया क्या? अरे यार फटाफट करो। हाँ कैमरा है क्या आपके पास? सर कैमरा यहाँ? ओह सॉरी सॉरी। हाँ भाई रूम का हुआ क्या? अरे यार तुमसे नहीं, मैं किसी और से बात कर रहा हूँ मैनेजर साहब से। जस्ट एक मिनट। हाँ सोनिया मैम का रूम हो गया क्या? बिल्कुल रेडी है सर। सर 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 जल्दी आइए। सर वो देखिए क्या हुआ मैडम, कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या आपका? गाड़ी में कोई सारी चोटें कैसे लगी मैम? गाड़ी में कोई था। आप आइए आइए, मुझे घर जाना है। ठीक है अभी अभी गाड़ी मंगवा रहे हैं, आप आइए चलिए। मुझे जल्दी से रूम की व्यवस्था करो तुम फटाफट। सुषमा तुम मैम को जल्दी से मुझे कहीं नहीं जाना, रूम के अंदर लेके जाओ, मुझे घर जाना है। गाड़ी आ रही मैम, प्लीज प्लीज आप समझने की कोशिश करिए, मैं हूं ना। मैम चले जाना, पहले अपने रूम में तो चलिए। मैम संभालिए। सुषमा तुम ना प्रोडक्शन वाले को बोलो कि मुझे ना अभी जाना है। हाँ बोलती हूँ मैम, आप बैठिए प्लीज। प्लीज तुम एक काम करो, तुम ना उसको वो फोन करो, उसको कहो कि मुझे ठीक है मैम, मैं देखती हूँ मैं कॉल करता हूँ। फोन करो उसको। मैम फोन नहीं लग रहा। तो जाओ और जाओ उसको जाके बोल कर आओ। ठीक है मैम मैं देखती हूँ क्या हुआ।
कौन हो तुम? क्या चाहिए मुझसे? क्या चाहिए? जरूरी है। हेलो आर्यन, आर्यन मैं रिसॉर्ट पे हूँ, प्लीज जल्दी आओ, जल्दी आके मुझे ले जाओ आर्यन, मेरी गाड़ी, मेरे सारा सामान चल गया। क्या आर्यन वो वापस आ गई? आर्यन वो मुझे मार डालेंगे। सोनिया कौन वापस आ गई है? हेलो 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 ये आपके लिए। ये भी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ रूम नंबर 343 में। आर्यन, आर्यन रिसॉर्ट में ही है, उसने मुझे बताया क्यों नहीं? प्लीज मुझे
माफ कर दीजिए साहब, मैंने कुंजी किया सर, बहुत कम है ये तो। अरे यार, कम है का क्या मतलब है, पूरी शूटिंग कैंसिल हो गई है। प्रोड्यूसर साहब का कितना नुकसान हुआ पता है ना? मुझे मार डालेगी। क्या हुआ मैम? वो मार डालेगी गाड़ी का ही, वो मुझे मार डालेगी। वो गाड़ी भी आ रही है, मुझे मार देगी, मुझे घर जाने। गाड़ी आ रही है। ओके, हेड्रेसर। अरे वो तो आपके साथ थी। नहीं, उसने मुझे एक नोट दिया, कहा कि आर्यन मुझे रूम नंबर 343 में बुला रहा है। कहां है, कहां है? मैडम, आपको कोई गलत फहमी हुई है, यहाँ पे कोई 343 रूम है ही नहीं। मैडम सही कह रहा है, इस रिसोर्ट में कोई थर्ड फ्लोर तो है ही नहीं। तुम पागल हो गए हो? मैं गई थी, मैं 343 में गई थी। कूल डाउन, कूल डाउन। अरे कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। मैं जा रही हूं, एक मिनट। मैं कूल सुनो, कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। लगता है पैनिक अटैक आया है। और ये इतनी सारी चोटें इन्हें कहां से लगी? यू नो, ये कोई मामूली चोटें नहीं है। पता नहीं डॉक्टर साहब, जब से यहाँ पे आई हैं बहुत ही अजीब अजीब सी हरकतें हो रही हैं इनके साथ, और बहुत अजीब बातें भी कह रही हैं। कोई आत्मा इनके पीछे पड़ी है। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग अबाउट। आज के वक्त में आप ऐसी बातें करते हैं? आपने इनके घर में किसी को इन्फॉर्म किया या नहीं? जी हाँ, कर दिया है। मैम प्लीज अपना ऑटोग्राफ दीजिए ना। थैंक यू मैम। सोनिया, क्या हुआ तुम्हें? कौन मार देगी तुम्हें? ये देखो। क्या है सोनिया? कुछ भी तो नहीं है। नहीं आर्यन, उसने अभी अपना नाम लिखा था। सोनिया, ये सब तुम्हारा वहम है बस। मेरा वहम नहीं है। ये देखो, ये क्या किया है? ये सब देखो, वो मुझे मार देगी। कौन मार देगी तुम्हें? स्टेला मैम। स्टेला।
सोनिया क्या मजाक है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं स्टेला मैम, वो यही कही है। कम वो मार देगी, मार देगी। लकी हूं मैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की आज मेरे साथ है। वेल, सर शॉट रेडी है। मैम चले? मैम नहीं, स्टेला कहूँ। नो वेज मैम, आप इतनी सक्सेसफुल और फेमस है कि आपको तो नाम से कोई नहीं बुला सकता, आपकी सबसे बड़ी फैन भी नहीं। सीरियसली मैम, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। और एक दिन मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ। मैं कभी उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, वो तो मेरी फेवरेट थी। तुम्हें वो रात याद है जब फोटोशूट के दौरान उन्होंने हमें साथ देखा था? स्टेला, हाथ मत लगाओ मुझे। मैं जानती हूँ तुम्हारी नजर सोनिया पर है। तुम सुधर जाओ, मैं तुम्हें कब से ये सब करते हुए देखते आ रही हूँ। स्टेला बेबी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। डोंट टच मी। मैं सब जानती हूँ तुम्हारी लाइफ में कितनी लड़कियां हैं, और अब ये सोनिया। सोनिया मेरी असिस्टेंट है। सोनिया अच्छी लड़की है, समझे तुम? तुम्हारी तरह नहीं है वो। फिर उनकी तबीयत खराब हो गई थी। मैम दवाई ले लीजिए। बैठे बैठे आँख लग गई थी, सर में बहुत दर्द है। आप दवाई ले लीजिए। नहीं, मुझे दवाई नहीं लेनी। मैम आप दवाई लेंगी तो आपके सारे दर्द ठीक हो जाएंगे, लीजिए। सोनिया। जी मैम। एक बात बताओ, तुम और आर्यन? नहीं मैम, आप जैसा सोच रही है वैसी कोई बात नहीं है। एटलीस्ट मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है मैम। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और एक दिन आपकी जैसी बनना चाहती हूँ। तुम भी ना सोनिया। मैम ने क्या किया? मैम ये तुमने मुझे क्या पिला दिया? मैम तुम क्या? फेम के लिए और मेरे बॉयफ्रेंड के लिए तुमने ये क्या किया? मैम आप गलत समझ रही हैं। मैम चला। मैम चला। क्या हुआ इसे? उस दिन मुझसे जो कुछ भी गलती हुई ना, शायद स्टेला मैम उसी के लिए मुझसे बदला लेना चाहती है। सोनिया होश में आओ, स्टेला की मौत एक एक्सीडेंट है, मेडिसिन रिएक्शन की वजह से उसकी मौत हुई है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं उस गिल के साथ नहीं जी सकती, बस अब और नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? आर्यन, मैं पुलिस के पास जाऊंगी और मैं सरेंडर कर दूंगी। पागल तो नहीं हो गया? नहीं आर्यन, ये काम ना मुझे पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन तुमने रोक दिया। लेकिन अब नहीं, मैं जाऊंगी और मैं सरेंडर कर दूंगी। अपने इमोशंस को कंट्रोल में करो। अगर तुम पुलिस के पास गई तो वो लोग समझेंगे कि तुमने पहले झूठ बोला था।
और तुम ही मर्डर हो। जो करना है करें, केस खोले, इन्वेस्टिगेट करें, और अगर उन्हें लगता है ना कि गलती मेरी थी तो ठीक है, मुझे सजा भी दे दे। लेकिन शायद शायद स्टेला मैम ये सब इसलिए कर रही है क्योंकि वो इंसाफ चाहती है। मैं नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ पुलिस के पास। तुम कहीं नहीं जा सकती, वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा जैसे मैंने स्टेला को मारा था। स्टेला मैम को, स्टेला मैम को तुमने मारा? और मैं हमेशा ये सोचती रही कि मैंने, हाँ, स्टेला की मेडिसिन्स मैंने ही बदली थी। और तुम सोचती रहे कि तुमने उसे मारा? पर क्यों? वो तो तुमसे बहुत प्यार करती थी। प्यार? वो मुझे बदलना चाहती थी एक ऐसे इंसान में जिसे वो प्यार कर सके। अगर तुम नहीं सुधरे ना तो मैं तुम्हारा करियर, लाइफ सब कुछ खत्म कर दूंगी। तुम ये जो आज बहुत कैसिनोवा बन के घूम रहे हो ना, ये सब मेरे पैसे से उड़ रहे हो तुम, ये मत भूलो। इससे पहले कि वो मुझे बदलती, मेरा करियर बर्बाद करती, मैंने उसे मार दिया। स्टेला को लगा कि तुमने उसे मार दिया। तुम्हारा दिमागी संतुलन खराब हो चुका है, तुम खुद को हार्म करने लग गई हो। सोनिया, डोंट वरी, तुम्हें हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे, लेकिन तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा रही, ओके? कई स्टेला मर गई स्टेला। माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो। रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब सब ठीक हो जाएगा।
अंशुमन दादा, आपका एक पार्सल आया है। इस पे तो किसी का पता भी नहीं लिखा है, कौन लाया इसे? मुझे नहीं पता दादा, मैं तो कचरा का डब्बा बाहर रखने गया तो ये सामने पड़ा हुआ था बाहर। ठीक है, तुम जाओ। प्रेम कविताएं, उसके लिए जिसे प्यार करने के लिए एक जिंदगी है कम। मेरे अंशुमन, तुम चाहे पास रहना या दूर रहना, बस प्यार हमें करते रहना। चाहे दो कितने भी आंसू, अब सब गम है हंस के सहना। विष्णु, विष्णु, विष्णु! जी दादा। ये क्या बेहुदा मजाक है? तुमने देखा किसी को? कौन रख कर गया इसे वहां पर? जी नहीं दादा, मैंने किसी को नहीं आते जाते देखा, बस ये बाहर पड़ा था, मैं ले आया। ठीक है, जाओ तुम। जी। होगी जरूर, ये वही पागल लड़की होगी। अरे अरे, कलम घिसने और किताब लिखने में फर्क होता है, ये कौन समझा है इन्हें? हर कोई अपने आप को लेखक ही समझता है, जैसे जैसे बच्चों का कोई खेल हो। कौन है? कौन है? कौन रो रहा है? कौन है? अंशुमन मेरा प्यार, I'm sorry. Actually, I thought the table खाली है. Sorry. It's okay. शशांक. Hey guys, what's up? अरे यार. What's up guys? क्या हाल है? भाई. तेरे जैसे दोस्तों के ना यही problem है. रहता हमारे साथ. Coffee पे हमें बुलाता है. और बैठने चले जाते हैं भाई सब लड़कियों के साथ. सीरियसली यार गाइस, तुम लोग मुझे दिखे नहीं। अब हम लोग तुझे क्यों दिखेंगे? अबे तेरी हिंदी कब सुधरेगी? हाँ? तेरे सुधरने से पहले मेरी हिंदी सुधर जाएगा। थैंक यू। वन मोर कैपुचिनो प्लीज। या। Thank you.
शशांक, वैसे तो जानता ना कि तू बहुत बड़ा उल्लू। हाँ पागल हो गए तुम लोग, कुछ भी बोलोगे। तू एक काम कर, उसके साथ जाके बैठ जा, हम मैनेज कर लेंगे। हाँ टेंशन मत ले, और मैं निरुपमा को कुछ भी नहीं बताऊंगा। माना यार तेरी एंगेजमेंट हो गई उसके साथ, इसका मतलब थोड़ी कि तू उसके साथ जाके कॉफी नहीं पी सकता। गाइस सीरियसली यार, मुझे उस लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। देख आई ना लाइन पे, एक्सक्यूज मी। यस सर। ये नोट आपका हो सकता है, अगर आप मेरे फ्रेंड को उसके बारे में कुछ बता सको। सॉरी सर, मैं ये पैसे नहीं ले सकती, और इनका नाम अनामिका है, ये यहाँ रोज आती है और एक ही कॉफी रोज ऑर्डर करती है, जिसमें से बस एक ही सिप पीती हैं, बुक पढ़ती हैं और यहाँ से चली जाती है। मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग उनसे बात ना करें। बट वाई? एक्चुअली सर, यहाँ के वेटर्स ने इनसे बातें की और फिर वो लापता हो गए, उनमें से मेरा एक दोस्त भी था। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती इनके बारे में। हेलो हमाला, हेलो। हाँ मुझे तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही है, बाहर जाके बात करता हूँ। मैं अभी आया। शशांक, शशांक, तेरी वेडिंग की डेट फिक्स हुई? नहीं यार, अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ। ठीक है, ओके बाय। I'm so sorry. Love poems. मुझे भी poetry बहुत पसंद है, I mean पढ़ना बहुत पसंद है। Really? पढ़ो। जो कह ना सको वो प्यार ही क्या, चुप रह के करो वो प्यार ही क्या, धड़कने धड़कनों से मिल जाएं, जो बिछड़ जाएं वो यार ही क्या। वाओ, बाय द वे आई एम अभिनव। अनामिका, मैं ये बुक ले जा सकता हूँ प्लीज? मुझे पोएम्स पढ़ना बहुत पसंद है। तुम चाहो तो किताब ले जा सकते हो, लेकिन कल यहीं आके मुझे इसे लौटा देना। थैंक यू सो मच। मैं कल तुम्हें यहीं मिलूंगा इसी वक्त। क्या बात हुई? क्या मतलब है? मतलब ये कि अनामिका से क्या बात हुई? मुझे जाना है, मुझे जरूरी काम है। हेलो, क्या कहाँ जा रही है? हम मूवी जाने वाले थे ना। हाँ? तुम लोग जाओ, मुझे जरूरी काम है। अब क्या हो गई इसे? पता नहीं यार। सब कॉफी आज आपने मांगी नहीं, फिर भी मैं ले आई। मैं यहाँ पे रख देती हूँ, आप पी लेना। सब खाने में क्या बनाऊं? डिस्टर्ब मत करो, जो यहाँ से। अरे आज इनको क्या हो गया? नहीं देता तुम्हें, किताब खराब कर दी मेरी। वो साहब गलती से लग गया था। गलती? जोर से! और मेरे सामने दोबारा मत आना। ना तुम्हें कविताओं की समझ है, ना तुम्हें प्यार की। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ।
प्यार की बात करते हैं। जब मैं प्याज काट सकती हूँ तो प्यार भी कर सकती हूँ। लोग किताबें क्या पढ़ लेते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। घर का काम क्या कम है, दो दिन करेंगे दिमाग ठिकाने पे आ जाएगा। खाना बना नहीं, टाइम लगेगा। ये गैस किसने चालू किया? ये क्या हो रहा है? प्यास और प्यार में सिर्फ एक ही समानता है, तुम्हें आंसू देते हैं। प्यास काटना तुम्हें आता है, लेकिन प्यार के बारे में तुम्हें मैं सिखाऊंगी। तुम्हें कविता और प्यार मजाक लग रहा है ना? अब मजाक मजाक में तुम्हें मरना होगा। विनाव, अभिनव प्लीज ओपन द डोर। अभिनव दरवाजा खोल यार। योर बैग इज लाइक अ लेडीज पर्स। इसमें से चाबी वाबी नहीं मिलने वाली। मिल गई, थैंक गॉड। फाइनली नवीन, ये अभिनव कहाँ है? कब से फोन कर रही हूँ, उसे फोन ही नहीं उठा रहा है। वो क्या है? You know what? भाग गई तुम्हारी बॉयफ्रेंड। तुम्हें प्यार है मुझसे कितना? समुंदर में है पानी जितना। ये देखो, हम लोग बाहर से कितना चिल्ला रहे थे, और ये महाशय शहजादे सलीम बन के यहाँ पे किताब पढ़ रहे हैं यार। डूड, आज तो रोमियो गई। चल मजे लेते। हेलो, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे तुम? और फोन कहाँ है तुम्हारा? कब से देखो फोन कर रही हूँ मैं तुम्हें, ना फोन उठा रहे हो ना कॉल बैक कर रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? इश्क है फूल गुलाब का, इसे समझो नहीं महसूस करो। जब भी इश्क हो किसी से, उसे कभी ना अपने दिल से दूर करो। ये क्या बोले जा रहे हो तुम, और कहाँ से निकली इतनी घटिया सी शायरी? क्या नॉनसेंस बुक पढ़ रहे हो, दिखाओ। God! लग गई मुझे। चले जाओ यहाँ से, जाओ। अभिनव बनकर यार ये नाटक, कोई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बात करता है क्या? ये कौन सी स्टूपिड सी बुक पढ़ रहा है तू, दिखा यार। नवीन यार, ये तो वही किताब है ना जो अनामिका के हाथ में थी, राइट? ये बुक तो वही है। बाय द वे, ये अनामिका कौन है? मेरे और मेरी किताब के बीच में मत आना, समझे तुम? शशांक, शशांक, ये अनामिका कौन है और वो बुक उसकी है? प्यार एक समंदर है जिसमें डूबना पड़ता है। You know, अभिनव, मुझे भी ना पोएम्स बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली शायरी और गजल। प्यार में खुशी ना मिली ना सही, आंसुओं के सहारे ही जी लेंगे हम। तो क्या हुआ जो टूटा ये दिल, तेरी चाहत के धागों से सी लेंगे हम। दरवाजा खोलो, मुझे मेरी किताब वापस दो। कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। दरवाजा खोलो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा।
क्या स्टुपिड सी बुक है और इस बुक में क्या बचकानी सी शायरी लिखी हुई है। एक्चुअली में मुझे समझ में नहीं आया कि अभिनव को हो क्या गया, इसमें क्या पसंद आया उसे। ये बुक ना कचरा है, कचरा। और इस बुक की असली जगह है इस कचरे में। गाइस, तुम लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कल तक मैं अभिनव को नॉर्मल कर दूंगी। प्लीज कर देना, अदरवाइज उसके कॉम्प्लिकेटेड शायरी की नरेशन सुनते सुनते मैं पागल हो जाऊंगी। एक मिनट भाई, तुम मुझसे हिंदी में क्यों बात करता है? मुझे इंग्लिश आती है। Why? तुझे लगता है कि मैं तेरे से ज्यादा अच्छी हिंदी सीख जाऊंगी? गाइस, आज के लिए इतना काफी है, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, ठीक है, और मैं आज यहीं रुकूंगी। ओके, तुम ऊपर जाके मेरे कमरे में सो जाओ, आई विल शेयर हिज रूम। ठीक है। या गुड नाइट। गुड नाइट। चल। अरे शशांक, ये शशांक कहाँ गया? शशांक कहाँ है यार? शशांक, माला, माला ने डस्टबिन में फेंक दी। क्या डस्टबिन? मैं अपने प्यार से कैसे मिलूंगा अगर वो किताब मेरे पास नहीं होगी? माला का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शशांक को ट्राई करता हूँ। हेलो शशांक। अरे नवीन, बाद में बात करता हूँ यार, डिस्टर्ब मत कर। ये हो क्या रहा है? माला का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, शशांक बात नहीं कर रहा है, और अभिनव उस बुक के पीछे मैड है। मेरी किताब, मुझे मेरी किताब चाहिए। मैं क्या सुनाऊंगा उसे, मैं क्या सुनाऊंगा उसे जब वो मुझसे मिलेगी? क्या था वो? प्यार एक समुंदर है जिसमें डूबना पड़ता है। मुझे जाना होगा, मुझे मेरे प्यार के पास जाना होगा। देर हो चुकी है, वो मेरा कॉफी शॉप पे इंतजार कर रही होगी। नो वे, खुद को देख, ऐसे जाएगा तू? जरूरत पड़ने पे आशिक एक योद्धा भी बन सकता है। प्यार एक समुंदर है जिसमें डूबना पड़ता है। जिसमें डूबना पड़ता है।
कोई अच्छी सी कविता सुनाओ ना। अनामिका वो किताब खो गई। अनामिका I'm sorry, लेकिन मुझे सारी कविता याद है। सब कविताओं का हर एक शब्द मुझे याद है जो मैंने पढ़ी थी। अनामिका I'm sorry। मैंने इतने प्यार से तुम्हें वो किताब दी थी और तुमने वो खो दी। प्यार तो है दीवानापन, प्यार की राहें नहीं आसान, जो मिल जाए आसानी से वो मंजिले प्यार की है ही नहीं। तूने चुराई मेरी किताब, तेरी हिम्मत कैसे हुई और तू यहाँ क्या कर रहा है? अनामिका से किसी ने सच्चा प्यार किया है तो मैंने किया है, बल्कि अनामिका से नहीं, उसके हर एक शब्द से, हर एक चीज से सिर्फ मैंने प्यार किया है। वाकई ये होता है प्यार। चलो मुझे कहीं ले चलो जहां कोई नहीं सिर्फ हम तुम हो। ठीक है। बहुत सारी कविताएं सुना दी तुमने, अब गली को थोड़ा आराम दो। बस एक और। ठीक है। जुदाई भी रुसवाई भी, प्यार तो है तन्हाई भी, मेरे दामन में जो आग लगे ये प्यार है जग हसाई भी। 4 घंटे हो गए इन दोनों को, इनके इस अजीब से बर्ताव से यहाँ सारे परेशान हैं। एटलीस्ट वो लोग तो ऑर्डर दे रहे हैं, लेकिन ये आदमी कब से यहाँ बैठा है, ना कुछ ऑर्डर दे रहा है और ना ही यहाँ से जा रहा है। खुदा ने इश्क बनाया है, इश्क है फूल। अनामिका को अकेला छोड़ दो। शशांक तू भी कम आने जा। यस सर। कौन है ये लोग, मैं नहीं जानता। अच्छा अब तो मुझे नहीं पहचानती, अपनी फियांसे को तो पहचानती है ना। जवाब दो शशांक, ये एंगेजमेंट के कुछ हफ्ते बाद तो मुझे भी भूल गए। हम आपको नहीं जानते। तो अपनी प्रेमिका के साथ में आए। प्रेमिका? आप लोग हमें अकेला छोड़ देंगे? ये सब इस बुक और इस लड़की की वजह से हुआ है। एक बुक इन लड़कों को इतना स्टूपिड कैसे बना सकती है? चलो यहां से, चलो चलो यहां से। अब तू यहां बैठ के क्या करेगी, चल तू भी। वो वापस आएंगे, सब वापस यहीं आते हैं, कोई मुझसे दूर नहीं रह सकता। इतने सालों का प्यार, इतने सालों का रिलेशनशिप, सब झूठ था क्या शशांक? तुम आए थे मेरे पीछे, शादी की बिजत तुमने की थी, और आज जब मैंने तुम्हें हाँ कर दिया तो तुम्हारा मन भर गया और अब तुम अनामिका के पीछे पड़ गए हो। कौन है अनामिका और कब से चल रही है सब, बताओ मुझे।
मुझे ये बुक दे दो प्लीज। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? मैं तुमसे इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम ये स्टूपिड बुक के पीछे पड़े हुए हो। देखो, तुम्हें मुझे जो बोलना है बोल दो, पर इस बुक के खिलाफ एक शब्द मत निकालना तुम। ये बुक, हाँ? ये बुक नहीं। शशांक, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो, तुम उससे प्यार नहीं करते? तुम उससे शादी नहीं करना चाहते? अरे नीरू, तुम कहाँ आई? तुम तो कल आने वाली थी ना? हाँ? अरे विजय छोड़ो, तुम आ गई ना। थैंक यू, आई वाज मिसिंग यू यार। शशांक, आइंदा से ना ऐसा गंदा मजाक मेरे साथ मत करना। और उस नवीन को तो मैं देख लूंगी, उसकी हिंदी के साथ साथ उसकी इंग्लिश भी भुला दूंगी मैं। नीरू, नीरू बस बस रिलैक्स, क्यों इतनी नाराज हो रही हो? हाँ इधर आ। ये क्या है? ये क्या पहन रखा मैंने? एकदम जोकर लग रहा हूं ना? शशांक, एक बात बताओगे? पूछो। ये अनामिका कौन है? अनामिका? कौन अनामिका? अच्छा छोड़ो, लीव इट, यू रिलैक्स। सुनो, मैंने बहुत दिनों से तुम्हारे हाथ की चाय नहीं पी है, प्लीज बना दो। ओके। एक्सक्यूज मी। ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। देखिए, मुझे उस अनामिका के बारे में सारी बातें इन डिटेल्स जानना है। देखिए, मैंने आपको उस दिन बताया था, आप सब प्लीज उससे दूर रहिए। इट्स इम्पोर्टेंट, प्लीज। क्या बात है? और कुछ पढ़ो ना मेरे लिए। शशांक, शशांक किससे बातें कर रहा है? प्यार जमी है, प्यार समुंदर, प्यार समुंदर, प्यार जमी है, प्यार समुंदर, प्यार ही है हर दिल के अंदर। ये बुक क्या फिर से? मैंने तो इसे बाहर फेंक दिया था। फिर इस बुक को तो मैं जला कर रहूंगी। मेरी बुक दो। बस बहुत हो गया, ये सारे फसाद की जड़ ये बुक ही है। अब तो मैं इस बुक को जला कर ही रहूंगी। परेशान करते हो तुम मुझे और मेरे प्रेमी को। शशांक बचाओ मुझे। तुम मेरे प्यार से जल्दी हुआ, अब चलोगी तुम। शशांक, शशांक बचाओ मुझे। शशांक बचाओ मुझे। शशांक, अपना बचाओ मुझे, अपना बचाओ। तुम ठीक तो हो ना? तुम सब सच सच बोलो प्लीज। ये किसी की जिंदगी
और मौत का सवाल है। एक दिन मैं अनामिका का पीछा करते हुए यहाँ तक आई तो मैंने देखा मेरा फ्रेंड जो उसी रेस्टोरेंट में काम करता था वो अनामिका के साथ था। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। ये घर एक राइटर का हुआ करता था जिनका नाम अंशुमन था। काफ़ी साल पहले वो बहुत ही अजीबो गरीब, बस तब से ये घर खंडहर बन गया। ठीक है, तुम जाओ, और इतना बताने के लिए थैंक्स। ठीक है। हो ना हो, इस किताब का राज इस घर में ही मिलेगा। अब हमें यहाँ कोई परेशान नहीं करेगा। अब से मैं सिर्फ तुम्हारी और तुम सिर्फ मेरी। और ये है हमारा आशियाना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी सारी कविताएं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम मेरे सबसे प्रिय अंशुमन हो, सिर्फ मेरे अंशुमन। ये सारा प्रॉब्लम उस बुक से है, और वो लड़की अनामिका वो कोई आम लड़की नहीं है। वो यंग लड़कों और आदमियों को मार उनकी लाइफ छीन लेता है। मैंने उस बुक और अंशुमन के बारे में फाइंड आउट किया। अंशुमन एक राइटर था जो बहुत साल पहले उस घर में रहा करता था। उसकी एक मैड लवर थी अनामिका, जो उससे लव करती थी, लेकिन अंशुमन ने उसके लव को रिजेक्ट कर दिया और वो कहीं और शादी करने वाला था। इस सदमे में आकर अनामिका ने सुसाइड कर ली, और मरने से पहले उसने एक बुक लिखा जिसे उसने अंशुमन को डेडिकेट किया। इसका मतलब कि अंशुमन ने अनामिका के प्यार के साथ साथ प्यार की दास्तान वो पोएट्री बुक भी रिजेक्ट कर दी, और इसीलिए अनामिका की आत्मा भटक रही है। और जो भी लड़का उस बुक को पढ़ता है वो अनामिका का हो जाता है, जैसे कि अभी ना। और शशांक तुम, नवीन तुम्हें हिंदी ठीक से पढ़ने नहीं आती, शायद इसीलिए तुम बच गए। इसका मतलब इन सब मुसीबतों की जड़ वो बुक है, तो बस एक ही रास्ता बचता है। अगर हमें अनामिका को रोकना है तो उस बुक को खत्म करना होगा, और इसके लिए हमें उस घर में जाना होगा। Thank you.
पहले दिन से तुम लोग मुझे और अनामिका को परेशान कर रहे हो। अब वक्त आ गया तुम लोगों को सबक सिखाने का। अभिनव क्या बोल रहा तू? अभिनव ये क्या कर रही है? वो मर जाएगी, छोड़ उसे। खोलो दरवाजा, खोलो। किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। नवीन, नवीन को चला दो। अभिनव, आहट के और भी डरावने और सस्पेंस से भरे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।